बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं महमूदिया ट्रैवल एंड टूर का यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेज़बान अमन शाह इकबाल अपने चैनल में वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। NCO का बड़ा कारनामा, 1 अक्टूबर से ट्रेन पर सफ़र नहीं कर सकेंगे लोग। पाकिस्तानी तैयार हो जाओ, एक और कानून लागू होने जा रहे हैं। GONCOZ, क्या बात है, कमाल हो गया, आप बच के दिखाएं। वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अब आप ट्रेन पर भी सफ़र नहीं कर सकेंगे। अगर आप ट्रेन पर सफ़र करना चाहते हैं तो फिर आपको जो है आपके पास वैक्सीनेटेड होना नहीं लाजमी है, और उसके साथ साथ आपके पास नादरा वाला जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना लाजमी है। पिंडी और पिशावर में कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश किया है। 1 अक्टूबर 2021 से सिर्फ वैक्सीनेटेड शहरी रेलवे पर सफर कर सकेंगे। NCOC का इजलास वफाकी वजीर असद उमर की सदारत में मुनक्किद हुआ। सबा वजीर से मजीद जानते हैं। सबा बताइएगा इजलास का अहवाल। आज बिल्कुल NCOC का इजलास वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेरे सदारत हुआ, और इजलास में मुल्क और खास से रावलपिंडी और पिशावर में कोरोना के बढ़ते हुए फैलाव पर इजहार तशवीश किया गया। जबकि SOPs के दरामद के हवाले से हिदायत जो है वो जारी की गई। जबकि 1 अक्टूबर 2021 से वैक्सीनेटेड शहरी रेलवे पर सफर कर सकेंगे, और मुहर्रमुल हराम की आमद के पेश नज़र किए जाने वाले इकदाम पर भी आज के इजलास में गौर किया गया, और फोरम ने वैक्सीनेशन के अमल पर भी हमारे इतमान का भी इजहार किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबा वजीर आपका। बाकी वजीर असद उमर की सदारत में मुनक्किद हुआ। सबा वजीर से मजीद जानते हैं। सबा बताइए।